उत्तर प्रदेश सूबे के सरदार योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं सट्टेबाजों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की बात कर उनका सफाया करने की बात करते हैं और प्रदेश को अपराध और अपराधियों से मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यमंत्री के इन प्रयासों पर पलीता लगाने पर लगी हुई है। मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर के अंतर्गत आने वाली कोटला रोड चौकी का है, जहां चौकी के दो सिपाही एक सट्टेबाज को रंगे हाथ पकड़कर चौकी पर ले आए और चौकी पर लाने के कुछ पल बाद ही उस पर बिना कार्यवाही किए उस सट्टेबाज को छोड़ दिया। बिना कार्यवाही किए सट्टेबाज को छोड़ने पर उस सट्टेबाज के हौसले और बुलंद हो गए और वह सट्टेबाज फिर से अपनी गद्दी पर जाकर सट्टे की लगवड़ी लेने लगा। अब हमारे स्ट्रिंगर द्वारा स्ट्रिंग किए गए वीडियो में उस सट्टेबाज को साफ सट्टे की लगवाड़ी लेते हुए देख सकते हैं और वे सट्टेबाज पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि उसको पुलिस ने 3,000 रुपए और सट्टे की गद्दी पर पकड़े गए रुपयों को लेकर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सट्टेबाज का नाम राहुल है और यह संतोष नगर गली नंबर 9 फिरोजाबाद में अपने सट्टे की गद्दी को चलाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्टिंगर द्वारा किशन नगर में एक और सट्टेबाज राजू के यहाँ स्टिंग किया गया और वह सट्टेबाज बेखौफ होकर सट्टे की लगवाड़ी ले रहा था। कुछ दिनों पहले राजू की खबर भी किया ये न्यूज द्वारा चलाई गई थी।